नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में होने वाले अगले आम चुनाव को लेकर सभी मुख्य पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच होगा। लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा उम्मीदें सभी पार्टियों को है। ऐसे में यूपी को केंद्र की सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। राज्य में चुनावी माहौल भी बना हुआ है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर बड़ा बयान दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आने के बारे में सोचना चाहिए। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी बिना गठबंधन के लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि कुछ बसपा नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के इस बड़े ओपिनियन पोल के अनुसार 2024 में बीजेपी बंपर सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। खासकर यूपी में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा प्रयोग किया है। प्रियंका वाड्रा की उत्तर प्रदेश से बढ़ती दूरियों के बीच नए प्रदेश प्रभारी के पद पर अरविंद पांडे की नियुक्ति करती पार्टी सवर्ण वोट बैंक खास तौर पर ब्राह्मणों को साधने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है। पार्टी का मानना है कि भाजपा से नाराज ब्राह्मण उसकी ओर आक्रोशित हो सकते हैं। झारखंड और राजस्थान के प्रभारी रह चुके अरविंद पांडे को संगठन और उत्तर प्रदेश का पुराना अनुभव है। वर्ष 2012 में जब दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे तब पांडे सह प्रभारी थे। पांडे वर्ष 2019 में भी कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उत्तर प्रदेश से भलीभांति परिचित हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी कमर कस चुकी है। दलित मुस्लिम के साथ ब्राह्मण को साधने में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जुट गए हैं। वो जगह ब्राह्मण सम्मेलन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है और ऐसे में यूपी कितना खास है राजनीतिक पार्टियों के लिए, आज इसी विषय पे तफसील से आज हम चर्चा करेंगे। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। विशाल कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और तारिक खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य मैथिल जी आपके साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण है? धन्यवाद नेहा जी, और पहले आपको आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम जी। और आपने जो प्रश्न किया का उत्तर आपने खुद ही दिया अभी अपनी रिपोर्ट में कि देश की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। देश के अंदर पूरे देश की सभी संसदीय सीटों में सबसे ज्यादा बड़ा यदि कहीं संख्या बल है तो वो उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। और केंद्र के अंदर जब भी कोई मजबूत सरकार बनी है तब तब उत्तर प्रदेश की जनता ने उस सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है, तभी उत्तर वही सरकार मजबूती से केंद्र के अंदर सजग और अड़ी खड़ी। आप देखिए लगातार 2014 में और 2019 में उत्तर प्रदेश ने भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण उत्तर केंद्र के अंदर हम लोग पूरी मेजोरिटी के संग सत्ता में आए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है कभी कभी। जिन लोगों की जमानतें 403 सीटों में से 400 सीटों पर जब्त हुई हो वो लोग दम थोक रहे हैं, उनके नेता खड़े होकर बसपा की जो बहन मायावती है उनको सुझाव दे रहे हैं आप इंडी गठबंधन में आ जाइए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो इस समय में ब्राह्मण जो है वो सम्मेलन कर रही है। और उसमें भी एक मजे की बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को साथ में रख रही है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर क्या ये लोग ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को
मूर्ख समझते हैं या ये हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं कि एक तरफ तो आप लोगों ने नरसंहार किया अयोध्या जी के अंदर, आपने लगातार डंप ठोका कि यदि दोबारा से सत्ता में आए तो दोबारा गोलियां चलाएंगे और दोबारा एक मस्जिद पर तामीर करा देंगे, और उसके बाद आज जब नोटों वोटों की जमीन लगी फटने तो भैया ब्राह्मण सम्मेलन निकलने लग गए इनके, और नई नई जातियों के सम्मेलन निकल लग गए, सोशल इंजीनियरिंग निकलने लग गई, जब भूल गए थे तब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो किस प्रकार से चुन चुन के हिंदुओं की हत्याएं हुई थी, और हत्यारों को दंगाइयों को इन्होंने लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री विशाल कुमार यादव जी, क्या जनता को मूर्ख समझने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है क्या? और क्यों इमरान को ऐसा लगता है कि बसपा को सोचना चाहिए एनडी गठबंधन में आने के लिए? इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आने के बारे में सोचना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए? देखिए नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन लगातार अपनी शाखाओं को विस्तार कर रहा है, उसी सिलसिले में हमारे राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो की यूपी से खुद आते हैं, उन्होंने मायावती जी से एक अपील किया कि आप हमारे साथ, क्योंकि वो भी हमारे विचारधारा से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, आप भी हमारे साथ आइए। अब आना ना आना मायावती जी के बात के ऊपर हम लोग छोड़ दिए। देखिए देश में विषम परिस्थिति और विषम परिस्थिति के साथ राज्य की हर गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं कि भाजपा के लोगों को पेट में दर्द हो रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जातीय सम्मेलन हो रही है, अरे भाई क्यों नहीं करे जातीय सम्मेलन, हम तो कहते जातीय सम्मेलन भी करवाएंगे, लेकिन आप तो कह रहे कि आपकी बिहार की इकाई जातीय जनगणना का समर्थन करती है लेकिन आप केंद्र में जातीय जनगणना का विरोध करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार भाजपा के द्वारा यादव महासम्मेलन कराया गया था, वो भाजपा के किसी नेता, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था उम्र का लिहाज कीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, समर्थन नहीं किया था, हमने जातिगत जो है एक जानकारी का समर्थन किया था जिसके अंदर 27 पॉइंट थे, एक पॉइंट भी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था उनके जीवन पर, आपसे अपील करता हूँ कि आप भी हमारे बीच में ना बोले, मैंने आपको सुनने का प्रयास किया, आप भी सुने, ठीक है जी, सुन लेते हैं पप्पू पार्टी वाली नौटंकी, ठीक है सुन लेते हैं, ठीक है, इनको मौका था तब मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है सुन लेते हैं ठीक है ना, अपनी बात कहने दीजिए ना, अभी कहने दीजिए ठीक है विशाल जी। देखिए बिहार के गाँव में एक बहुत अच्छा कहावत है, जब लगाए हो आम तो बबूल कहाँ से पाओगे, आप जिस तरह का आचरण करेंगे मैं उस आचरण पे उतर गया, ये तुम्हारे ऊपर अलग बात है, वो बात तुम्हारे संस्कार में वो नहीं, आपके संस्कार वो दिखते हैं वो अलग बात, आपने शब्द का चयन किया हमारे लिए, मैं चुन रहा हूँ आपकी उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुद्दा ये था, ये लोग कह रहे जातीय सर्वे और जातीय जनगणना, भाई कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रमुख मांगों में से एक मांग है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन बीजेपी के दोहरी चाल चरित्र और चेहरा आज सामने आ रही है, जो बीजेपी बिहार में यादव सम्मेलन करवा रही थी और फिर जातीय जनगणना का विरोध कर रही है, जब बीजेपी नीतीश जी के साथ सरकार में थी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कमेटी के नेता लोग मिलने नहीं गए थे, उसके बाद इन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया और फिर विरोध कर रहे हैं। देखिए हर पार्टी का अधिकार है, जातिगत आधार पे तो कह रहे हैं, देखिए पहले भी आपने बांटने की कोशिश की और इससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी बांटने की कोशिश की, राहुल गांधी हर रैली में हर जनसभा में ओबीसी 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 कहते हुए नजर आए, लेकिन कह रहे इतना असर तो पड़ा नहीं, अब आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि नहीं जी जाति के आधार पर चीजें बेहतर होगी? और दूसरी बात ये कि इतना कमजोर अभी भी है क्या एनडी गठबंधन, जो आपको लग रहा नहीं मायावती की सख्त जरूरत है, मायावती भी हमारे पास आ जाए तो ठीक रहेगा, इस गठबंधन में आ जाए तो बढ़िया रहेगा? मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा नेहा जी। देखिए पहले तो आपको बता दूं कि इंडी गठबंधन है इंडिया गठबंधन, कम से कम इसका नाम आप लोग सही से ले, भाजपा के लोग लेते तो पता चलता है, लेकिन हम ऐसे लोग भी नहीं, इंडिया और इंडिया का जरा फुल फॉर्म बताओ, चालू करते हैं इंडिया का फुल फॉर्म बताओ, अरे भाई से बंद करो, इंडिया फुल फॉर्म बड़ी बड़ा है, बुद्धि भी बड़ी है, मैंने तो आपको नहीं बोला था, मैंने तो आपको नहीं बोला, ज्ञान दे रहा है आपका इज्जत कराओ सम्मान कराओ, लेकिन आप खुद इज्जत उतरवाने पर लगे हो, ठीक है जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल
ये गठबंधन का नाम इंडिया है और आप भी इंडिया के एंकर को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, हर गठबंधन के लोग चाहते हैं कि नए नए लोग हमारे साथ, चुप तो रहिए, हमने एक प्रयास किया कि हमारे साथ दूसरे लोग जुड़े। और तीसरी बात, ये गठबंधन की फुलफॉर्म नहीं बता पा रहे लोगों के तोड़ेंगे। अरे चुपचाप रहो यार, देखिए अगर ऐसे लोगों को बुलाइएगा उम्र बना है कि ज्ञान भी बढ़ी है आपकी, आप हमसे उम्र में काफी सीनियर है, मैं आपका इज्जत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तारिक जी का रुख कर लेते हैं। तारिक जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या वाकई अभी आप लोगों का जो गठबंधन है वो वाकई इतना कमजोर है कि अभी उसमें मायावती की जरूरत आप लोगों को लगती है? देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं से कमजोर नहीं, और हमारी गठबंधन की मजबूती को 28 साल से एनडीए बना हुआ है, कभी बैठक नहीं हुई थी इंडिया की, गौर कीजिएगा। हाँ। एक बार बैठक हुई कब इंडिया गठबंधन ने अपनी पटना में बैठक, मुंबई में बैठक हुई तब? ये इंडिया गठबंधन के लोगों की बौखलाहट है। और आपने कहा कि हमें वोट नहीं मिला, 5 राज्यों के चुनाव हम लोग 40% वोट लेकर आए, तो लोग हमें गले से लगा रहे हैं। 40% मैनेजमेंट में कमियां रह गई होगी, उससे हम लोग क्यों हारे वो बात अलग है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये भी बताना होगा, 10 लाख वोट कम नहीं होते नया जी, 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। ठीक है, चुनावी का घलक नाम है, चुनावी होती है उसमें थोड़ा अलग होता है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और आपसे एक बार फिर अपील कर रहा हूँ कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, कम से कम आप इसका नाम फॉर्म को पूछ लो, फॉर्म तो बता नहीं पा रहे हैं, गठबंधन गठबंधन चिल्ला रहे हैं, कहा क्यों उठा के आते हैं आपके नेताओं को जिनको पढ़ा लिखा नहीं होते? नहीं नहीं, इस तरह की बात मत, लोग के साथ अगर हमको बैठाइएगा नेहा जी, आप तो मैं फिर नहीं 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 ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, एक दूसरे पर नीचे का टच मत करिए प्लीज, हम वैसे आप तो जल्दी मत करिए, हमें फुल फॉर्म बता दो नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन लेकिन तारिक जी, तारिक जी ऐसे नहीं ऐसे नहीं प्लीज, देखिए आप लोग तो अच्छे से डिबेट करते हैं ना, डेकोरम को मेंटेन रखिए प्लीज, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हमारा यहाँ पे कतई ये मकसद नहीं है कि किसी भी गेस्ट को बुला के, आप लोग हमारे अतिथि है और इस तरह से हम बुला के बेइज्जत करने का काम नहीं करते हैं प्लीज, और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि नहीं 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 ऐसे नहीं, आप लोगों से भी ये सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी प्लीज एक दूसरे पर निजी कटाक्ष मत करिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत करिए, मुद्दों पे बहस हो रही है, मुद्दों तक ही सीमित रहिए प्लीज। 20 सेकंड में दीजिए सिर्फ, नहीं मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ सूर्य जी, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए तारिक जी, दलित मुस्लिम के साथ ब्राह्मणों को साधने में आखिर क्यों सपा की कोशिशें लगातार देखी जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन भी करवाते हुए सपा देखी जा रही है, तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक 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 जाति को साध कर ही ये 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया जा सकता है? एक दरखास्त मैम लिखी जाए प्रधानमंत्री के नाम, पीएमओ के नाम, कि क्या हम लोग ब्राह्मण सम्मेलन करा सकते हैं, क्या इसकी जरूरत है भारत में, क्या ब्राह्मणों का पेटेंट हो गया, क्या ब्राह्मणों ने यह घोषणा कर दी कि अब हम लोग सिर्फ भाजपा को ही वोट देंगे, मतलब ये क्या क्या सवाल है? हमारा अधिकार है ब्राह्मण सम्मेलन कराना, हमारा अधिकार है यादव सम्मेलन कराना, ये कराए तो ठीक, ये यादव को ये धनकर को बता दे कि अरे बैकवर्ड की बेइज्जती हो गई, तब धनकर बैकवर्ड हो गया, और तब वो यादव जिसको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया वो यादव हो गया, चिल्ला रहे जिंदा यादव बना दिया यादव बना दिया। अरे भाई हम किसी भी सम्मेलन को कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, सम्मेलन करने से पहले इजाजत देनी है, कानून बनवा दो, सत्ता में हो। ठीक है देखिए ये बात तो सही है, क्या पेटेंट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कि ब्राह्मण अगर सम्मेलन करवाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कराएगी, कोई और पार्टी क्यों नहीं करा सकती, या सिर्फ ये जो यादवों का एक ठप्पा लगा रखा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि नहीं ये तो यादव के हितैषी पार्टी है या MY समीकरण को साधती है, क्यों ब्राह्मणों की बात नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी? सूर्य जी देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है वो आप बाद में से ले लीजिएगा उत्तर विशाल कुमार यादव जी से, कि हिंदी गठबंधन की फुल फॉर्म जरा गूगल पे करके तो बता दो, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा इंडी है या इंडिया है। अब दूसरी चीज, इन्होंने कहा इमरान प्रतापगढ़ी जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, अरे भैया वो इमरान प्रतापगढ़ी आते तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन बेचारे सांसद जो बन के पहुंचे हैं वो मध्य महाराष्ट्र से पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में औकात नहीं है कांग्रेस की कि वो एक राज्यसभा सांसद दे सके, उनका विधायक नहीं। और तीसरी चीज, ब्राह्मण सम्मेलन पे पेटेंट या अधिकार है क्या भाजपा का?
अरे भैया हमारा पेटेंट अधिकार है हिंदुत्व पर, हम खुला बोलते हैं कि हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास में विश्वास करते हैं। आप कह रहे पेटेंट है हिंदुत्व पर, पेटेंट है हिंदुत्व पर, फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया सर? मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास में अब्दुल को भी राशन मिलता है यदि अशोक को मिलता है, तो फिर ये मत कहिए ना कि हिंदुत्व पर ही हमारा पेटेंट है। नहीं नहीं फिर ये मत कहिए, बताना चाहता हूँ ना आपको, सुन तो लीजिए आप, मैं तो पूरा एक्सप्लेन तो करने दीजिए। हाँ, करिए करिए। मैंने बोला कि रोशनी को भी हम सिलेंडर देते हैं, भी रेशमा को देते हैं, इसका सीधा जो तात्पर्य है वो ये है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे सनातन में सिखाया गया है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये नहीं कि आप मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा कराएंगे, हिंदुओं को कटवाएंगे और बंगालियों को गले में माला डलवाएंगे, या आप राम भक्तों के जत्थों के जत्थों पर बोलियां चलवाएंगे, उनका कत्लेआम कराएंगे। तो हिंदुत्व का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है क्या? हिंदुओं का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही ले रखा है क्या? बाकी और पार्टियां क्यों नहीं कर सकती? ब्राह्मणों की बात, यादवों की बात, हर भारतीय की रक्षा। इस देश के जो 40 करोड़ जो भारतवासी है वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। अगर आप कहते हैं हिंदुत्व पर आपका पेटेंट है ना सर, तो फिर ये मत कहिए कि हम सबका साथ और सबके विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं। नहीं, ये तो फिर वही होगा, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे थोड़ी होता है भैया की बात करिए ना। या तो हिंदुत्व पर हमारा पेटेंट है और हम सबके साथ सबके विकास की बात नहीं करते, या फिर हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो हिंदुत्व पर हमारा पेटेंट नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि पंथ और धर्म में फर्क होता है कि नहीं होता? आपसे पूछता हूं, आप जरा मुझे बता। पंथ और धर्म में फर्क होता है ना? हिंदुत्व इस देश का वातावरण है, इस देश की जीवन पद्धति है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अच्छा ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की बात कर रहे तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी को? तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ ना, आप खूब कीजिए, लेकिन पहले प्रायश्चित जो है सम्मेलन कीजिए, राम भक्तों की हत्या करने का, मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर दंगाइयों को गले में माला डालने का, मुस्लिम देखिए तारिक जी, ये सिर्फ दिखावे की बात कर रहे हैं, दिखावा है ये सम्मेलन करके, सिर्फ दिखावा कर रही है। ठीक है तारिक जी, जल्दी से। ऐसा है मैम, देखिए ऐसा है ना कि बार बार राम भक्तों को गोली चलाई है ना मुलायम सिंह ने, अपने मुख्यमंत्री होने का दायित्व बीच में नहीं। मैम देखिए ऐसा है, मैं डिबेट छोड़ दूंगा बीच में, अपनी बकवास बंद रखें। मुलायम सिंह ने निभाया, जिसकी शपथ ली थी, तो मुलायम सिंह को सम्मानित करने की क्या जरूरत थी? गोली चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने, अभी कौन सा अवार्ड दे रहे हो मुलायम सिंह यादव को? क्यों दे रहे हो भाई? वापस लो क्या समाजवादी पार्टी ने आपसे डिमांड की है कि मुलायम सिंह यादव को डिमांड की है? आपको सारे नेता जाते थे मुलायम सिंह यादव, नेता जी को चिंता थे करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए, ठीक है? एक एक नेता, तुम्हारा मुख्यमंत्री भी जाता था वहां पर नमस्ते करने नेता जी को, ये सम्मान भारत में नेता जी को मिला था, इसीलिए देने के लिए तैयार हो। तुम्हारी अवकाश है कि मोदी के पास क्यों करते हैं? तुम्हारी है अवकाश? ये ब्राह्मण सम्मेलन भी करेंगे, क्षत्रिय सम्मेलन भी करेंगे, ऐसे नहीं, की बात को रखे ना, ऐसे नहीं होगा। विशाल जी, ठीक है विशाल जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ सर, पहले सवाल अपनी बात कंप्लीट है, कि बीच में बोलने लगा, इसको बोलने नहीं देने दिया जाएगा। नहीं नहीं, एक एक करके बात रखिए तारिक जी, एक करके क्या होता है? मैं बोल रहा था ये बीच में पूरी बात करिए, कोई नहीं बोल रहा, पूरी बात करिए। ऐसे आप डिबेट करा रही है, बीजेपी को एडवांटेज दे रही है आप। नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए ना सर, मैं दोनों को चुप करवा रही हूँ। ये बोल रहा है आपने, इसका म्यूट कराइए, या तो मुझसे बोलवाइए। चलिए चलिए, अपनी बात रखिए, बात रखिए अपनी, तो उससे कहिए चुप रहे, उनका माइक म्यूट करवाइए मैम पहले। आप भी बीच में बोल रहे थे ना सर अभी? नहीं, मैं किसी का माइक म्यूट नहीं करवा रही हूँ सर, आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए सशक्त है पूरी तरह से, आप अपनी बात अच्छी तरीके से रख सकते हैं, तो रखिए अपनी बात। नहीं तो इनसे कहिए ना बीच में ना कूदे, मैं कोई बीच में नहीं कूद रहा हूँ, अपनी बात रख रहे हैं आप, अपनी बात रखिए। मैं उनसे भी बार बार अनुरोध, देखिए उनसे भी मैं अनुरोध कर रही हूँ, मैं आपसे भी अनुरोध कर रही हूँ, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि मेहमानों को बुलाकर, अतिथियों को बुलाकर उनको बेइज्जत करना हमारा काम नहीं है, और हम नहीं करते हैं ऐसा। हम बहुत ही शांति से, शालीनता के साथ आप लोगों से कह रहे हैं कि मुद्दे पर डिबेट करिए। सुनिए,
सुनने की क्षमता रखे, बीच में ना कूदे। ठीक है, जल्दी से बात करें। बोलूं मैं चुप जाऊंगा, मैं दूसरे के बीच में बिल्कुल नहीं बोलता, मैं चुप जाऊंगा अपनी बात कहकर। आप कहेंगी मैं चुप जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव पर भारतीय जनता पार्टी नेताजी हमारे लिए सम्मानित है, जैसे इनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी अब दुनिया में नहीं रहे, सम्मानित। उनके ऊपर बार बार की गोली चलाई मारी तो क्यों पद विभूषण और भारत रत्न सब कुछ देने के लिए तैयार हो? समाजवादी पार्टी ने एप्लीकेशन लिख के भेजा था क्या? इनकी अगर नेताओं की हैसियत है, औकात है, कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी से जाकर कहें कि नेताजी का सम्मान वापस ले लें, या सम्मान दीजिए या न दीजिए, स्वतंत्र देव सिंह रोज नेताजी के दरवाजे पे जाते थे परिणाम करने। ये नेताजी के भारतीय राजनीति में सम्मान रहा है, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके ऊपर उंगली उठाना नहीं, जो जिंदा है उनकी बात नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है, जो जिंदा है उन लोगों की बात नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए मैं विशाल जी का रुख कर लेती हूं। ठीक है सर, ठीक है, वक्त के मैं सम्मान पूरा भारत करता है, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ तारिक जी। ठीक है विशाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश से बढ़ती दूरियों के बीच प्रदेश प्रभारी के पद पर अरविंद पांडे की नियुक्ति कर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? क्या स्वर्ण वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जातीय वोट बैंक को विश्वास नहीं रखती, आपको बता दे। और आपको दूसरी बात, आपके पहले सवाल के जवाब में दे दूं कि प्रियंका गांधी जी कहीं अलग नहीं हो रही, वो भी अभी भी हमारी राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कई बार प्रभारी पद ना लेना या प्रभारी पद ना देना वो बात अलग है, और अरविंद पांडे जी बहुत ही सुलझे हुए और उत्तर प्रदेश के काफी जानकार नेता है, वो पहले भी प्रभारी रह चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव है, हर लोग को मौका मिलता है, प्रियंका जी को भी मौका मिला, प्रियंका जी ने भी वहाँ काम किया, वो बात अलग है। क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए तो हमसे हमारे गठबंधन के फुल फॉर्म पूछ रहे थे, तो माननीय महोदय आपको हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में बताऊं? और बता दूंगा तो उसके बाद गठबंधन के नामों का उपहास नहीं उड़ाइएगा। सुनिए जी, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। और दूसरी बात नेहा जी, आपसे अपील करूंगा कि अगली बार से जब भी ऐसा डिबेट हो तो इन महोदय के साथ हमें ना रखें। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।